सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ़ोटो या इमेज को एलपी लाइटरूम फिल्टर से कैसे साफ़ कर सकते हैं, यानी कि कैसे अपनी फ़ोटो को फिल्टर कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारा पहला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अंत तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बारे में आपको एक एक चीज़ वगैरह सिखाने वाले हैं। पूरी की पूरी एडिटिंग आपको इस एप्लीकेशन की हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। साथ ही में चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लो यार। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस कुछ ऐसा होने वाला है, जहाँ पे आपको लाइब्रेरी सोने होने वाली है। तो देखो, लाइब्रेरी में आपका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्राइमरी होने वाला है। सो गाइस, आपको यहाँ पे जो भी कुछ दिख रहा है उसका आपको पैसा देना पड़ता है, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा टेम्पलेट है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे जो है शो होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिटिंग का जो ऑप्शन, फिल्टर का ऑप्शन जो देखने को मिलता है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके जितने भी ज़रा वीडियोज़ वगैरह, फोटोज़ वगैरह जितने भी हैं, आपके सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो, मेरे यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ आ गया है। आपको जितने भी फिल्टर देखने को मिलते हैं, सारे के सारे इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। देखो, मैं एक ही बार एक यहाँ पे सारे के सारे फिल्टर आपको चेक करा दूंगा। आप भी यहाँ पे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, जो फिल्टर आपको यहाँ पे बढ़िया लगे आप उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इमेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है उसके हिसाब से मैं फिल्टर सेट करने वाला हूँ। जो इमेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट करना है, और जो नीचे आपको ऑप्शन कुछ देखने को मिलते हैं उसी से आपको इस फिल्टर को मैनेज करना है। सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक फिल्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन देखने को मिलती है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं चेड़ना। उसके बाद आपको टेम्परेचर वाली लाइन जो नीचे देखने को मिलती है उस पर आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा या कम कर लेना है, अपने हिसाब से। जो फोटो आपको यहाँ पे शो हो रही है उसमें जिस हिसाब से आपको लगे उस हिसाब से कम या आपको ज़्यादा कर लेना है। नीचे जो ऑप्शन देखने को मिल रही है उसको आप मेरे हिसाब से सेट करना। कॉन्ट्रास्ट तो आपको देखने को मिलता है थर्ड वाला ऑप्शन, इसको आपको करना है थोड़ा कम कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे 25 रखना है, और कम से कम आपको इसे 10 रखना है। जैसे मैं सेट कर रहा हूँ वैसे आप सेट कर लो, आपको जिस हिसाब से बढ़िया लगे उसी हिसाब से सेट करना। आप उसे मेरे तरीके से बिगाड़ मत लेना अपनी फोटो को। सो गाइस, ये तो हमारा सेट हो गया। उसके बाद आपको नीचे साइड शो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 रखना है और कम से कम 10 रखना है। आपको इसे मेरे हिसाब से सेट कर लेना है, आप इसे अपने हिसाब से सेट मत कीजिए। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं उनको आपको नहीं छेड़ना है, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि आपके बिल्कुल भी काम नहीं होने वाले हैं। तो गाइज, आप इसे सेव कैसे करोगे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले कुछ और फिल्टर्स है जो मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। तो देखो, मैं सारे के सारे फिल्टर्स तो आपको यहाँ पे चेक करा नहीं सकता, क्योंकि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फिल्टर हैं। कुछ आपको यहाँ पे पैसे देकर मिलते हैं, कुछ आपको यहाँ पे फ्री मिलते हैं। तो आपको जितने भी फ्री वाले जो होने वाले हैं उनमें से कुछ फिल्टर्स मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। सो गाइस, आपको यहाँ पे फिल्टर जो है अलग अलग ऑप्शन के तौर पर देखने को मिलते हैं। जैसे आपको इंस्टाग्राम में फिल्टर देखने को मिलते हैं वैसा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जैसे आपके कैमराज वगैरह, मोबाइल के कैमरा में देखने को मिलता है फूड अलग, ट्रैवल अलग वाला, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो, जैसे नाइट वाला ऑप्शन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें सारे आपको यहाँ पे नाइट वाले जितने भी जो फिल्टर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद BMW, इसमें आपको जो स्केच वगैरह, जैसे कि आपकी फोटो जो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम की दिखाई देने वाली हैं। उसके बाद आपको जो फूड वाले फीचर तो आपको देखने को मिलते हैं, फिल्टर वगैरह, इसमें भी आपको जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी वाले यानी कि पैसा देकर खरीदने वाले आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फिल्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिलते हैं। सो गाइस, ये है हमारा एलपी फिल्टर एप्लीकेशन। और इसके बाद गाइस, ये आपको इस एप्लीकेशन का दूसरा वाला वीडियो मिलने वाला है, जिसमें आपको कुछ और भी फीचर्स एप्लीकेशन के बताने वाला हूँ। तो गाइस, अब आपको बता दूँ, आप इसे फोटो को सेव कैसे कर सकते हो। आप इस फोटो को जैसे आप एडिट कर लेते हो तो उस फोटो को आप सेव कैसे कर सकते हो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, उसके बाद सेव टू फोन पे क्लिक करो, आपकी फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप उसे देख सकते हो अपनी गैलरी में जाके।